जहां पर उन्होंने बारिश की वजह से जल भराव से बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया और साथ ही इस दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा भी की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने यह बताया कि खराब हुई फसलों की स्पेशल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सभी किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। वहीं इसको लेकर मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है और कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SDM साहब और अधिकारियों के साथ इमलोटा गांव में जो जल भराव है अत्यधिक बारिश की वजह से इस क्षेत्र में हमने दौरा किया और किसानों को जो उनकी फसल खराब हुई है, जो बीमित किसान है उसकी बीमा कंपनियों से और जो दूसरे किसान हैं उनको जो खराबा हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार मुआवजा दिलवाएंगे और ये तुरंत आदेश दे दिया है कि इस पानी को निकालें ताकि आने वाले सीजन में फसल है सरसों की गेहूँ की उसकी बिजाई होनी चाहिए और अधिकारियों को पूरा आदेश दिया है कि जल्द जल्द तुरंत इसको पानी को निकाल करके यहाँ पर सिंचाई की जो व्यवस्था